वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम लेसन टू का पार्ट थ्री डिस्कस करेंगे। क्लास दस का साइंस है, एनसीईआरटी पैटर्न हम पढ़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे लवण परिवार के बारे में, ठीक है। अब लवण परिवार के बारे में हम बात करते हैं। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के लवण का पीएच मान 7 होता है और ये उदासीन होते हैं। लवण को समझने के लिए ये कुछ बातें जरूरी हैं जिसको हम एक बार जान लेते हैं, समझ लेते हैं। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 से कम होता है तथा ये अम्लीय होते हैं। प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल के लवण का पीएच का मान 7 से अधिक होता है और ये क्षारकीय होते हैं, ठीक है। ये तीन बातें आप हमेशा जेहन में रखिएगा ताकि यह बात हर जगह आगे और भी डिस्कशन और भी जो एक्सप्लेनेशन होगा उसमें आपको समझ में आ पाए। अब लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया करते हैं। जी हाँ डियर स्टूडेंट, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होगा सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ सोडियम क्लोराइड है, H2O जल है, बन गया क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन निकला और हाइड्रोजन गैस के रूप में ये निकलता है। अब हम बात करते हैं दूसरा स्टेप, विरंजक चूर्ण। वस्त्र उद्योग, कागज की फैक्ट्री, लॉन्ड्री और पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त करना और कई रासायनिक उद्योगों में विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन की अभिक्रिया से बनता है क्या, विरंजक चूर्ण, जिसे आप CaOCl2 के नाम से जानते हैं और प्लस इसमें जल निकलता है। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। क्वेश्चन होगा विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, तो आपका जवाब होगा शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। बेकिंग सोडा का प्रयोग आमतौर पर खाने की सामग्री बनाने के लिए किया जाता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। NaCl, इसका रिएक्शन जरा देख लेते हैं। NaCl प्लस H2O कार्बन डाइऑक्साइड NH3, बन जाएगा क्या, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और बन जाएगा आपका NHCO3। अब इसी पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पर सोड को क्या करते हैं, से रिएक्शन अगर होता है, अभिक्रिया होती है, तो बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट और बनेगा आपका जल और निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका प्रयोग, अब देखिए इसका प्रयोग जो है दवाइयों में भी किया जाता है। बेकिंग सोडा का प्रयोग अग्निशामक के रूप में भी किया जाता है, आग बुझाने के लिए भी किया जाता है। बेकिंग सोडा का प्रयोग खमीर उठाने के लिए भी किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं धोने का सोडा। जी, धोने का सोडा होता है और एक खाने वाला सोडा होता है। बेकिंग सोडा को गर्म करने के बाद सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने वाला सोडा प्राप्त हो जाता है। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान रखिएगा, बेकिंग सोडा को गर्म करने के बाद सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने वाला सोडा प्राप्त हो जाता है। यह एक क्षारकीय लवण है। क्या है, यह एक क्षारकीय लवण है। एक जरा इसका केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट 10H2O से बन जाएगा क्या, सोडियम कार्बोनेट और पुनः बनेगा, दोनों मिक्स संयोग करेगा तो बन जाएगा 10H2O। ये क्या हो जाता है, धोने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन और कागज बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी किया जाता है। घर की साफ सफाई और जल की अस्थायी कठोरता हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, अब हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जिप्सम को 373 के पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट बनाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं।
डियर स्टूडेंट, टूटी हुई हड्डियों पर जो प्लास्टर चढ़ता है वह प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जो डॉक्टर चढ़ाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने पर यह जिप्सम में परिवर्तित होकर कठोर हो जाता है। याद रखें, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए आप रिएक्शन दे सकते हैं। क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट 0.5 H2O जल एंड 1.5 H2O, ये बन जाएगा क्या? कैल्शियम सल्फेट और फिर बनेगा आपका 2 H2O, ये जल बन जाता है। लवण का जो अक्सर ये क्रिस्टलन का जल कहते हैं, इसके नाम से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं, तो आपका जवाब वहां पे होगा लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आज के इस लेसन में हमने सीखा प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, आज हमने सीखा धोने के सोडा के बारे में, आज हमने सीखा बेकिंग सोडा के बारे में, आज हमने लर्न किया लवण परिवार के बारे में, उसकी प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षारक के बारे में हम लोगों ने लर्न किया। फिर इसी के साथ ही इनकी तमाम बातों को हमने देखा, पीएच का मान भी देखा, अधिक कितना होगा, प्रबल कितना होगा, दुर्बल कितना होगा, तो ये सारी चीज़ें, क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, इन सब चीज़ों को बखूबी ध्यान दें, ध्यान से लर्न करें, एक एक चीज़ को पढ़ें। उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो इसे दोबारा देखें, आपको बखूबी समझ में आ जाएगा। इसी के साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर लर्निंग।